अयोध्या में द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने समस्त साधारण बीमा कर्मचारियों ने 2017 से लंबित वेतन वृद्धि को लेकर पूरे भारत में एक दिन की हड़ताल की। इसी क्रम में अयोध्या के मंडल कार्यालय पर भी कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला लगाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीमा कर्मचारियों का वेतन समझौता प्रति 5 वर्ष में बैंक और LIC कर्मचारियों के साथ होता है, लेकिन वर्तमान में साधारण बीमा कर्मचारी 2012 के वेतन स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो न्याय संगम नहीं है। मंडल कार्यालय के सहायक लिपिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज उनके समस्त कर्मचारियों के साथ कार्यालय को एक दिन के लिए बंद किया, क्योंकि वेतन वृद्धि को लेकर सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रही है। बैंक और LIC के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हो रही है, परंतु सरकार ने नहीं की। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम समस्त कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाध्य होंगे। इकट्ठा होने की वजह यह है कि आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक पर इंतहाई मजदूरी के आलम में हम लोगों को आना पड़ा है। एक्चुअली क्या है कि 2017 से हम लोगों का वेज रिवीजन ड्यू है। इससे पहले हमेशा ये हुआ करता था कि वक्त से वेज रिवीजन हो जाया करता था। LIC बैंक्स के साथ हमारा वेज रिवीजन इनएविटेबली होता था, लेकिन इस बार LIC का, बैंक्स का, ECGC का और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनीज और कंसर्न्स हैं जिनका वेज रिवीजन हो गया है, लेकिन हमारा वेज रिवीजन नहीं हुआ है। तो हमारी ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ ये इनजस्टिस, ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। तो हम लोगों ने कई बार वार्ताएं वगैरह की, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बड़ी मजबूरी के आलम में हम लोगों को ये स्ट्राइक करनी पड़ी है और ये अपना रिजेंटमेंट शो करने के लिए है, और ये कि भाई जो है ये इनजस्टिस क्यों की जा रही है हम लोग के साथ। हाँ, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।